स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ, आज हम लोग जो चैप्टर फाइनल किया गया ग्रेविटेशन का चैप्टर, उसके जो मैक्सिमम चीज़ें थी, जितने फॉर्मूले, जितने डिस्कशन हमने कर दिया, आज उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा लिया गया है, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁴ kg एंड दैट ऑफ मून इज 7.4 × 10⁻²⁰ kg। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.84 × 10⁵ km, कैलकुलेट द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। टेक g = 6.7 × 10⁻¹⁺ N·m²kg²-2। ये जी की यूनिट्स है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ इस क्वेश्चन में दिया गया है उसको राइट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मास ऑफ अर्थ दिया है, सिंस मास ऑफ अर्थ, सपोज कीजिए कि मास ऑफ अर्थ को कैपिटल एम से हम लिख दे रहे हैं। इट इज गिवन दैट मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁴ kg। मास ऑफ मून दिया हुआ क्वेश्चन में, सपोज कीजिए इसको स्मॉल एम से राइट कर रहे हैं। मास ऑफ मून इज गिवन दैट इट इज योर मास ऑफ मून इज 7.4 × 10⁻²⁰ kg। ये दो चीज़ें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, और फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब इसको हम स्मॉल डी से लिखेंगे। अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये आपके क्वेश्चन में, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज 3.8 × 10⁵ km, ट्रांसफर इट इनटू मीटर, दिस विल बी 10⁸ m। तो अभी क्वेश्चन करने के लिए सारे जो भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबके सब सेम यूनिट में होने चाहिए। तो एम गैस सिस्टम में तो ये मास है दोनों का, लेकिन ये आपका एम गैस में नहीं था, इसलिए इसको हमने ऐसे ट्रांसफर कर दिया। अब फोर्स, इफ एफ बी द फोर्स एग्जर्टेड बाई अर्थ ऑन मून, देन बाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F = g m अपॉन d²। ये इक्वेशन वन है। तो क्वेश्चन को देखने से हमको ये है कि क्वेश्चन में मास अर्थ का दिया हुआ है, मून का मास दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इतना का फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें जो जो वैल्यू हमारी दी हुई है उसको हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा F = g की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ 7.67 × 10⁻¹⁺। मास अर्थ का दिया हुआ है 6 × 10⁻²। और मून का मास दिया है 7.4 × 10⁻²। और अपॉन
डी हमारा डिस्टेंस दिया है 3.8 इंटू 10 टू द पावर 3.84 सॉरी फोर इज मिसिंग ईयर 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में सेल्स जी की वैल्यू हमारी इतनी दी हुई 7.6 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स टू द पावर -2 इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सारे नंबर एक साथ हो जाएंगे 6.7 × 6 × 7.4 × 10⁻¹⁰। देखिए ये 24 + 22 - 11 ये पावर में आ जाएगा और नीचे वाला हमारा 3.88 × 10⁻¹ इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऐसे F=। देखिए यहाँ पे दो प्लेस का ये दो बार लिखना पड़ेगा सॉरी ये इसका स्क्वायर है तो दिस इंटू 3.88 × 10⁻¹⁶ लिखेंगे। अब इस ऊपर भी इस तीनों नंबर का जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन से 297.48 आएगा और 10 का पावर जो हो जाएगा इसमें 11 कम हो जाएगा तो 35 हो जाएगा। ऐसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये 14.7456 × 10⁻¹⁶ आएगा और फिर इसका जब इसमें इसका डिवीजन करेंगे पावर को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.02 × 10⁻²⁰ न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो गया कि अगर अर्थ का मास इतना है मून का मास ये है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है तो अर्थ के द्वारा मून पे जो फोर्स एग्जर्ट किया जाएगा वो इस फार्मूले से हम यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे और रिजल्ट ये हो गया कि अर्थ मून पे कितना न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगी। स्टूडेंट्स अब हम उसी चैप्टर ग्रेविटेशन के चैप्टर का ही एक और सवाल पढ़ेंगे छोटा सा सवाल होगा ये लेकिन इसको भी जानना चाहिए क्योंकि फार्मूला हम लोग वेट का फार्मूला जानते हैं W=mg उसी का यूज करके वेट निकालना है यहाँ पे। तो उसके लिए क्वेश्चन आपके पास है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg। एक ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर कितना होगा अगर ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में सोल्यूशन में जब हम इसको सोल्यूशन करेंगे सोल्यूशन में आप देखेंगे तो राइट करेंगे आप इसको लिखेंगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के मास को हम सपोज कर लें कि स्मॉल एम से लिख रहे हैं और ये क्वेश्चन में दिया है 10 kg। इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन दैट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 kg और इसका वेट अर्थ पे पूछा जा रहा है तो अर्थ पे जी की वैल्यू जो है लिखना पड़ेगा। तो यहां से लिखेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इसको जी कहते हैं और ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये अर्थ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अब हमको वेट ऑन अर्थ लिखना है देयरफॉर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ
तो आप वेट को W से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एम इंटू जी. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m, m इज योर 10 एंड द वैल्यू ऑफ g इज 9.8. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो W हमारा आएगा 98 और चूंकि वेट एक तरह का फोर्स है तो इसको इतना न्यूटन लिखेंगे. तो इस तरह से आप उस ऑब्जेक्ट का अर्थ पर वेट जा कहेंगे कि अर्थ पर वेट इसका 98 न्यूटन है.